सोर्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। टूटा फूटा घर, 80 लाख की संपत्ति, लेकिन गोल्ड जीतने के बाद अरशद नदीम कैसे नीरज चोपड़ा से कुल नेटवर्थ में आगे निकले, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल और अरशद नदीम ने जीता गोल्ड मेडल। लेकिन जैसे ही अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और वो जो थ्रो उन्होंने 92.97 मीटर का जो रिकॉर्ड उन्होंने ओलंपिक में बनाया, ऐसा लग रहा था कि नीरज इस रिकॉर्ड को या फिर इस थ्रो को नहीं बीट कर पाएंगे, जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। और नीरज चोपड़ा का थ्रो भी काफ़ी शानदार रहा, हालांकि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता लेकिन यहां पे सिल्वर वो जीत पाए और गोल्ड से चूक गए। लेकिन अरशद नदीम की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से पहले उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक नया जैवलिन थ्रो खरीद पाएँ, यानी कि एक नया भाला खरीद पाएँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग और इतने लोग उन पर मेहरबान हुए कि उनकी जो कुल संपत्ति थी वो नीरज से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। और इसका उनको रिवॉर्ड भी मिला, रिवॉर्ड इन द सेंस कि कई इनको गाड़ियां गिफ्ट करी गई, टोयोटा ने इनको गाड़ी गिफ्ट करी, मारुति ने इनको गाड़ी गिफ्ट करी, कई बिजनेसमैन हैं उन्होंने उनको गाड़ियां गिफ्ट करी। तो कुल मिला के जो उनकी संपत्ति थी वो नीरज चोपड़ा से ज़्यादा हो गई। एज़ पर द रिपोर्ट्स अगर हम बात करें तो जो नीरज चोपड़ा की नेटवर्थ है वो है 37 करोड़ रुपए, ये एज़ पर द रिपोर्ट्स है। लेकिन अब जो पाकिस्तानी मीडिया या फिर पाकिस्तान में जो अरशद नदीम के समर्थक हैं, थोड़ा जो उनको फॉलो करते हैं, वो प्रशंसक हैं, वो बता रहे हैं कि जो अरशद नदीम की जो इनकम है, जो नेटवर्थ है वो 47 करोड़ रुपए है, यानी कि नीरज चोपड़ा से 10 करोड़ रुपए ज़्यादा। लेकिन गोल्ड जीतने से पहले, पेरिस ओलंपिक से पहले जो अरशद नदीम की कुल नेटवर्थ थी वो थी 80 लाख रुपए। टूटा फूटा सा उनका घर था, एकाचैत से उनके पास गाड़ी भी थी, बट उनकी जो कुल संपत्ति थी वो थी 80 लाख रुपए की। लेकिन अब जाके, हालांकि एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं कि जो इंडियन करेंसी और पाकिस्तान करेंसी में, मतलब 3 गुना एक तरीके से आप फर्क आप देख सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जो चीज़ भारत में 10 रुपए की आती है वो पाकिस्तान में 30 रुपए की आएगी, ये आप समझ लीजिए। तो वहाँ पे यहाँ की करेंसी की कितनी वैल्यू और वहाँ पे मतलब कितनी वैल्यू। अब अगर यहाँ पे कोई ऑल्टो खरीदने जाता है भारत में तो 4-4.5 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की आ जाएगी, लेकिन वही ऑल्टो अगर पाकिस्तान में आप खरीदने जाओगे तो 20 लाख रुपए की ऑल्टो आपको देखने को मिलेगी, वो भी 650 cc का इंजन वहाँ पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अब ये दावे किए जा रहे हैं, अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो नहीं पता, बट ऐसा दावा किया जा रहा है कि अरशद नदीम की जो नेटवर्थ है वो नीरज चोपड़ा से कहीं ज़्यादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।